मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बताते चलें कि मथुरा के चौमुह में सामाजिक संस्था राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना राष्ट्रीय जनसंघ के पदाधिकारियों ने कृष्णा मैरिज होम में अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान की 854वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। अध्यक्ष भरत सिसोदिया, लोकेश सिसोदिया ने पृथ्वीराज चौहान के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनके चरित्र पर प्रकाश डाला और बताया कि हमें पृथ्वीराज चौहान के हिंदू सम्राट थे, हमें उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए तथा उनकी विचारधारा अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठकर एक कुशल साम्राज्य का नेतृत्व किया था। इस मौके पर सौरभ सिसोदिया, कृष्ण सिसोदिया आदि लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा जी की तपोस्थली कस्बा चौमुआ में पृथ्वीराज चौहान जी का जो जन्मोत्सव है वो बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया एवं इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का भी पालन किया गया। और हम जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि फिलहाल हमारा भारत जो है महामारी से गुजरा है, कोरोना वायरस, इससे अपना बचाव रखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। जय श्री राम। आपके द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया गया है। आज ब्रह्मा जी की पावन तपोस्थली चौमहा में सामाजिक संगठन भारतीय जनसेवक संघ व राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी ने मुगलों को भारत फतेह नहीं करने दिया था, ऐसे ही हमको कोरोना फतेह नहीं करने, कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे? यहाँ पे मैं खुद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और जिले के पदाधिकारी और भारतीय जनसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं और अन्य पदाधिकारी हैं। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन। और वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे हत्या का लाइव वीडियो वायरल हुआ।